ओम शांति। पवित्रता के सागर बाबा ने हम सभी को पवित्र भव का वरदान दिया है। वे आए हैं हमें वैसा ही श्रेष्ठ पावन बनाने जैसे हम सृष्टि के आदि में थे। उन्होंने हमें याद दिलाया है, बच्चे तुम परम पवित्र आत्माएं हो, इसलिए परम पूज्य हो। तुम्हारी जैसी पवित्रता किसी धर्मात्मा की, किसी धर्म पिता की भी नहीं होती, क्योंकि तुम ऐसी पवित्रता अपनाते हो जिससे ये सारा संसार द्वैयुग के लिए पवित्र बन जाता है। देह भी पवित्र और आत्मा भी पवित्र हो जाती है। और अपनी वर्तमान पवित्रता के महत्व पर जरा ध्यान दें। हमारे पवित्र वाइब्रेशंस प्रकृति को भी पावन कर देते हैं, चारों ओर के वायुमंडल को पावन कर देते हैं। हमारी पवित्रता बहुत महान है। पवित्र आत्माएं इस संसार में वैसे ही चमकेंगी जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा चमकता है। तो हम बहुत ध्यान दें अपनी संपूर्ण प्योरिटी पर, पवित्रता का सुख प्राप्त करें। इसमें मन का बहुत चैन मिलता है। वासनाओं ने तो दुखों को जन्म दिया है। वासनाओं के क्षणिक आनंद में फंसकर मनुष्य ने अपना राज भाग्य सब कुछ गंवा दिया है। हमें पुनः पवित्र बनकर बाबा को बहुत बड़ा सहयोग देना है सृष्टि को पावन बनाने में। हम चाहे अपने लिए पवित्र न बने, लेकिन हम संसार के लिए पवित्र अवश्य बने। जिस घर में एक पवित्र आत्मा रहती है, वो घर मंदिर बन जाएगा। वो पवित्र आत्मा इष्ट देव देवी कहलाएंगे। उस घर में सुख शांति की सरिता बहने लगेगी। वो घर सचमुच सभी विघ्न और समस्याओं से मुक्त हो जाएगा। तो आइए बाबा से संपूर्ण पवित्र बनने का वायदा करें, उसे वचन दे दें। हम तुम्हारे बन गए तो पवित्रता के मार्ग पर चलते ही रहेंगे। हमसे हमारी पवित्रता कोई नहीं छीन सकेगा। एक बार जिस पथ पर कदम रख दिए, हम उस पथ से विचलित नहीं होंगे। अब यही तो हमारा श्रेष्ठ मार्ग है। इस मार्ग पर हम सतत आगे बढ़ते चलेंगे और जिस पर भी हम दृष्टि डालेंगे उसे पवित्र वाइब्रेशंस देंगे। इस देह के आकर्षण से हम स्वयं को मुक्त कर लेंगे। सबसे बड़ा आकर्षण ये देह का आकर्षण है, प्रकृति का आकर्षण है। अब हम आत्मिक दृष्टि का अभ्यास बढ़ाएं। अपनी प्योरिटी को स्ट्रॉन्ग और नेचुरल करने के लिए, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं पवित्रता की देवी हूँ, इस स्वमान में स्वयं को स्थित कर दें। भोजन बनाते हुए 100 बार याद करें, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं पवित्रता का सूर्य हूँ। हम ध्यान दें, केवल हम पवित्रता की प्रतिज्ञा ही नहीं करेंगे, लेकिन पवित्रता को नेचुरल बनाने के लिए, इसे आगे बढ़ाने के लिए हम साधनाएं करेंगे। हमारी साधना स्वयं को जबरदस्ती कंट्रोल करने की नहीं, लेकिन हमारी साधना आत्मिक सुख में स्वयं को तृप्त करने की है। उससे मन के सभी आकर्षण समाप्त हो जाते हैं। इसलिए जिन्हें अपनी पवित्रता का सुखद अनुभव करना है, जिन्हें अपनी पवित्रता को विश्व के लिए कल्याणकारी बनाना है, वो प्रतिदिन 4 घंटे योग साधना अवश्य करे, कुछ बैठ कर कुछ कर्मों में। तो आइए आज सारा दिन
हम इस स्वमान में रहेंगे। मैं पवित्रता का सूर्य हूँ मस्तक मध्य में, और जिस पर भी दृष्टि डालेंगे इस संकल्प से कि हमें इन्हीं पवित्र वाइब्रेशंस देना है, ये आत्माएं हैं, तो सबको आत्मिक दृष्टि से देखते हुए पवित्र वाइब्रेशंस देते रहेंगे और अभ्यास करते रहेंगे कि ऊपर से बाबा की पवित्र किरणें निरंतर मुझ पर पड़ रही हैं। ओम शांति।